पब्लिक की डिमांड हो रही है कि आप ज़रूर सक्रिय राजनीति में आइए, क्योंकि आपके ऊपर आरोप हमेशा करते रहेंगे और आपकी जो लड़ाई है वो बाहर से है। क्या रॉबर्ट वाड्रा पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? हमेशा समाज में आप काम करते हो तो क्यों नहीं आप राजनीति में अपना कदम रखते हो? आप हमारे तरफ आ जाओ तो आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, या कोई कहेगा आप इतना समय क्यों लगा रहे हो, आप में इतनी खूबियां हैं कि आप हमारे तरफ से लड़ो। राहुल जी पॉलिटिक्स में, प्रियंका जी पॉलिटिक्स में, अब रॉबर्ट जी पॉलिटिक्स पर, तो हमेशा चुनाव के वक्त रॉबर्ट वाड्रा को उनको याद आता है। ठीक है, तो रॉबर्ट वाड्रा हमेशा टारगेट पे रहते हैं विपक्षी दलों के, क्योंकि राजनीतिक आरोप है तो आप उस तरीके से ही राजनीति में ही आकर अपना जवाब दे पाएंगे। जो भी इन लोगों ने आरोप लगाए बेबुनियाद थे, कोई प्रूव नहीं कर पाया, कुछ गलत नहीं मिला। नमस्कार, आदाब। चुनाव की तारीखें आ गई हैं और बहुत चर्चा चल रही है कि एक शख्स पॉलिटिक्स में आ सकता है, उसकी पॉलिटिकल एंट्री हो सकती है, उन्हें सब जानते हैं। आप लोग कुछ दिनों से लिख भी रहे थे कि हम उनका इंटरव्यू क्यों नहीं कर रहे हैं, काफ़ी आजकल वो मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं, तो हम उनके पास आ गए, उन्होंने हमें वक्त दिया। हम रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ में हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी को सब जानते हैं। रॉबर्ट साहब, सब यही चर्चा कर रहे हैं और जानना चाहते हैं, बहुत जिज्ञासा है लोगों में कि क्या रॉबर्ट वाड्रा पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में। आपने सही फरमाया कि लोगों में बहुत उत्साह है और खुशी है, वो चाहते हैं कि मैं सक्रिय राजनीति में पेश आऊँ और मतलब कि अपना कदम लूँ राजनीति में। वैसे तो मैं कभी भी इस देश में किसी ने मेरे को एक आम व्यक्ति जैसे नहीं देखा पहले, तो क्योंकि मैं एक गांधी परिवार का सदस्य होने के नाते। बाकी कोई सॉफ्ट टारगेट बुलाता है, कोई हार्ड टारगेट बुलाता है, और काफ़ी पार्टियों ने किसी तरह भी परेशानी क्रिएट की है, या जब भी कोई इलेक्शन होता है तो मेरा नाम इस्तेमाल होता है। मैंने 1999 से प्रचार किया अमेठी में, और 2004 में हम भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए और कांग्रेस पार्टी पावर में आई। बहुत कठिन प्रचार था, पर मेहनत की और अपने रिश्ते बनाए वहाँ, और अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर, तो वहाँ के लोग हमेशा प्यार, प्रेम और अलग अलग तरीके से मेरे साथ संबंध रखते हैं तब से। मेरे जन्मदिन पे केक काटेंगे, अलग चीज़ बांटेंगे, क्योंकि वो देखते हैं मैं अपने चैरिटी के द्वारा बहुत लोगों से मिलता हूँ, अपने धार्मिक जो दौरा होता है उससे भी मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, समझता हूँ कि देश में क्या स्थिति है धर्म को लेकर। बाकी जब वहाँ के जो सांसद हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने मेरा एक फ़ोटो दिखाया अडानी जी के साथ और ऐसे आरोप लगाए कि मेरे किसी तरह के संबंध है उनके साथ, अडानी के साथ, अडानी के साथ, तो मैंने फिर अपने सोशल मीडिया के द्वारा उनको चैलेंज किया। चाहे वो मैं महिलाओं की आदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मुझे लगा कि मुझे अपना नाम को क्लियर करना चाहिए, तो मैंने उनको चैलेंज किया कि अगर आपको कभी भी लगेगा कि मैंने कुछ कोई भी रिश्ता है उनके साथ, कोई काम किया हो या कोई भी ऐसा रिश्ता है जो गलत है, तो आप उसको प्रूव करें, उसको साबित करें, नहीं तो ये जो गलत अफवाहें हैं वो ऐसा सांसद में समय बर्बाद नहीं करें। और जो हमारे पीठ पे चढ़ के ऐसे अपनी पहचान बढ़ाते हैं, मुझे लगता है वो गलत है, और अमेठी के लोगों को लगा कि गलत है, कि एक तो उनसे गलती हुई कि स्मृति ईरानी जी को उन्होंने चुना, कि जहां उनको लगा कि गांधी परिवार से जो भी वहां प्रगति होती थी वो स्मृति ईरानी जी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई, वो ज़्यादा समय वहां बिताते नहीं है, तो उनको लगा कि अगर गांधी परिवार से कोई भी सदस्य वहां का वहां से उनको रिप्रेजेंट करे, वहां उनको उम्मीद है कि और प्रगति होगी और
भेदभाव की राजनीति नहीं होगी और जो भी वहाँ के मुद्दे हैं वो उसका समाधान तो गांधी परिवार ढूंढ सकते हैं। अमेठी क्या वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है? नहीं, मैं कहूँगा कि देश भर में जहाँ भी मैं जाता हूँ, चाहे अगर मैं कहूँगा कि कोई दंगल में मुझे बुलाता है हरियाणा में, तो उनको लगता है कि जितनी सेवा आपने की है, जितनी बारी आप आए हैं, हमारा नाम हुआ है और अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो ज़रूर जीतेंगे। दिल्ली में जहाँ मैं अगर सेवा करता हूँ, खाना परोसता हूँ, काफ़ी बारी एक कोई भी पुरानी दिल्ली में या जौन से भी एरिया में, वहाँ से लोगों को लगेगा। मुरादाबाद मेरी पैदाइशी जगह है, वहाँ से उम्मीद करते हैं लोग कि मैं वहाँ से लड़ूँ। तो देश के अलग अलग जगहों में पोस्टर लग जाते हैं। हाँ, वो काफ़ी लगते हैं, अक्सर बीच बीच में लग जाते हैं और हम रिपोर्ट भी करते हैं। अब मुरादाबाद का तो टिकट हो गया, अभी अमेठी रायबरेली पे सस्पेंस है। मेरी बात टिकट के ऊपर नहीं होती है। आप ये नहीं समझ रहे कि ये जो पुकार है ये देश के लोगों की है। उनको लग रहा है कि गांधी परिवार में ऐसे सदस्य हैं जो एक साथ एकजुट खड़े होकर सामना कर सकते हैं। उनको लग रहा है कि अगर लोग छोड़ के जाने हैं तो क्यों नहीं जो आपके खुद के परिवार के लोग हैं सामने आए, लड़ें और मेहनत करें, जो मेहनत कर रहे हैं ऑलरेडी, कि उसको अगर आप सांसद में होते हैं, सांसद बनते हैं और संसद में होते हैं तो आप बड़े पैमाने पर अपना काम कर पाएंगे। जो आपके आपके ऊपर जो ये कोई ना कोई आरोप लग रहे हैं उसको बड़े तरीके से, क्योंकि राजनीतिक आरोप हैं, तो आप उस तरीके से ही राजनीति में ही आकर अपना जवाब दे पाएंगे। 2014 से पहले रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर करप्शन के आरोप, अरविंद केजरीवाल, पूरी भारतीय जनता पार्टी, रॉबर्ट वाड्रा ने देश को लूटा, गांधी परिवार के पास सारा पैसा है और इनको जेल में डालो, ईडी की जांच, तमाम चीज़ें। तो रॉबर्ट वाड्रा हमेशा टारगेट पे रहते हैं विपक्षी दलों के। जैसे आपने कहा कि फिर वो चुनाव अमेठी में स्मृति ईरानी जीती और फिर उन्होंने आपकी तस्वीर दिखाई अडानी के साथ कि राहुल गांधी अडानी को कह रहे हैं कि देश की वेल्थ उनके पास है, उधर रॉबर्ट वाड्रा के अडानी से संबंध है, तो रॉबर्ट वाड्रा टारगेट में रहते हैं हमेशा। तो जो आपने जैसे जिक्र किया 2014 और आज हम 2024 में हैं, कोई ऐसी चीज़ उनको नहीं मिली है जो गलत हुई हो मेरे साथ मेरे दफ्तर में। और मुझे लगा है कि जो पूरे देश को लगता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर किसी कंपनी में भी कोई भी इशू होती है या कोई प्रॉब्लम है तो उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट करती है, रीअसेस करके जो भी पेनल्टी है वो देकर आप आगे बढ़ सकते हो। पर ईडी का इस्तेमाल करना, डर बिठाना, और इसलिए 21,000 से 20,000 लोग 2018 से उद्योगपति छोड़ के चले गए हैं क्योंकि यहाँ काम करना मुश्किल है। पर मैं कहूँगा कि मेरे ऊपर जो भी इन लोगों ने आरोप लगाए बेबुनियाद थे, कोई प्रूव नहीं कर पाया, कुछ गलत नहीं मिला। उन्होंने जब मेरी इंटेरोगेशन की 2019 में ईडी के द्वारा 15 बारी, चुनाव के वक्त था 2019। हाँ बिल्कुल, तो हमेशा चुनाव के वक्त रॉबर्ट वाड्रा को उनको याद आता है, चाहे स्टेट इलेक्शन हो चाहे जनरल इलेक्शन हो, तो याद आता है। और मतलब कि वहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी मेरा नाम इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग लोग। तो मुझे लगता है कि उनको लग रहा है कि उनकी पहचान बढ़ती है, कि लोगों की अटेंशन बढ़ती है कि गांधी परिवार के कोई भी सदस्य के बारे में कुछ भी गलत बोलोगे तो उसमें वो ज़रूर देखते हैं, समझते हैं कि क्या है बात। तो कुछ भी प्रूव नहीं हो पाया, 10 साल हो गए हैं, जितनी भी एजेंसियों को इन्होंने इस्तेमाल की कुछ प्रूफ नहीं हो पाया, जितनी बारी भी बुलाए, जितने सवाल पूछे उसके जवाब दिए, कभी भी कुछ बिल्कुल हर चीज़ स्पष्ट हुआ, कोई भी चीज़ गलत नहीं मिली उन्हें। तो जैसे ये जो माहौल उन्होंने क्रिएट किया 10 साल से, कि मुझे कभी राजनीति से दूर रखा ही नहीं, मेरे को एक पॉलिटिकल, या आप फिर से बोलूँगा अगर टारगेट बोलते हैं तो मुझे इस तरीके से जवाब देने में सीखने को बहुत मिला। ईडी से इंटरोगेशन में मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि कैसे मेरे को बुला सकते हैं, क्यों बुला सकते हैं मुझे। मैंने जब बुलाया मैं समय से पहले पहुंचा, जितना घंटे बिठाए मैं बैठा, और
जो भी सवाल थे उसके जवाब दिए, और मेरे को लगा उससे भी मेरे को सीखने को मिला। जो भी चीज़ अगर मैंने अपने दफ्तर में नहीं देखी वो भी मैं खुद अपने आप देखता हूँ, तो मुझे लगा कि कभी मैं इन चीज़ों से पीछे नहीं हटा या ना बुरा लगा। मैं तो हर दिन सीखता हूँ, जैसे मैं जो अंधे बच्चों के साथ काम करता हूँ उनसे सीखता हूँ कि उनके पास रोशनी नहीं है पर वो हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं। तो मैंने देखा कि मेरे मुश्किलें जो हैं बहुत छोटी चीज़ है उनके उनके सामने, तो उनसे मिला, तो उसमें मैं और अपने आप को और ज़्यादा समय बिताया उनके साथ और अलग अलग लोगों से जिससे भी सेवा कर सकता था। तो मुझे लोगों को लगा कि आप इतने परेशानियों के झेलते हो और हमेशा समाज में आप काम करते हो, तो क्यों नहीं आप राजनीति में अपना कदम रखते हो। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर कांग्रेस पार्टी को लगे और अगर मुझे अपने परिवार से आशीर्वाद मिले, और मुझे लग रहा है कि इतने सारे लोग अगर छोड़ के जा रहे हों, तो अगर मैं सवाल पूछ लेता हूँ आपसे कि रॉबर्ट वाड्रा की पॉलिटिक्स में एंट्री हो सकती है, इसकी संभावनाएं तेज हैं, अब ऐसे वक्त में जब बड़े बड़े पुराने कांग्रेस के लीडर बीजेपी जा रहे हैं, जैसे अशोक चौहान चले गए, आप उधर देख रहे हैं आपके पुराने सहयोगी यानी यूपीए के पुराने सहयोगी अजीत पवार चले गए, तमाम नेता कांग्रेस छोड़ छोड़ के, सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, रवनीत बिट्टू चले गए, और ऐसे समय में जब कांग्रेस छोड़ छोड़ के नेता जा रहे हैं, तब रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि नहीं अभी तो मतलब अब मैं आऊँगा। मेरा यह है कि देखिए जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है, और जब नहीं जा रहे तब तो आप टारगेट पे थे, आप कह रहे हैं कि इनकी प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के अरविंद केजरीवाल से लेकर के हमेशा रॉबर्ट वाड्रा ने तो देश को लूट लिया, क्या नहीं किया, और फिर 2024 में आप कह रहे हैं नहीं चलिए। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो पुकार है ये लोगों की पुकार है, उनको लग रहा है कि कांग्रेस को मजबूत करना है और राहुल को भी और शक्ति मिलेगी, और तो उनको लग रहा है कि मेरा सक्रिय राजनीति में आना ज़रूरी है, और जहाँ भी मैं जिस क्षेत्र में रिप्रेजेंट करूँगा उसका और नाम होगा, प्रगति होगी। उनको दिखाई दिया है कि 10 साल से मैंने कितनी मेहनत की है लोगों के बीच में, और उनके साथ भी रिश्ते हैं, चाहे अमेठी हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे कोई भी इलाका हो जहाँ मेरे को बुलाया जाता है, तो मैं अपने मन लगन से काम करता हूँ, वहाँ जो उनकी ज़रूरतें हैं उसकी पूरी करता हूँ, चाहे वो लोगों को पता हो या नहीं, पर मेरी मेहनत जारी है। पर मैं कहूँगा कि देखिए जितने भी कार्यक्रम होते हैं मुझे बुलाया जाता है और उसमें अलग अलग पार्टियों से मिलते हैं, और दोस्ती है, सबके साथ प्यार है, प्रेम है, मैं अपने आप उठ के पहले नमस्ते करता हूं, तो लोगों को खुश होती है, उनका जो ईगो है वो थोड़ा बूस्ट हो जाता है कि देखो आपको तोड़ने की कोशिश तो नहीं करते हैं, कहते नहीं तो रॉबर्ट को तोड़ लो नहीं गांधी परिवार से, उनसे ऐसे मजाक में उनका होता है कि आप हमारे तरफ आ जाओ तो आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, या कोई कहेगा आप इतना समय क्यों लगा रहे हो, आप में इतनी खूबियां हैं कि आप हमारे तरफ से लड़ो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको भारी बहुमत से जिताएंगे, तो अलग तरह तरह की चीज़ें ऐसे बोली जाती है, और तरह तरह देश के अलग अलग कोने से रिक्वेस्ट आते हैं कि मैं उनको रिप्रेजेंट करूं। तो अभी ये माहौल है मेरे लिए, और फिर भी मैं कहूंगा कि मैंने गांधी परिवार से बहुत सीखा है, मैं सोनिया जी की बहुत आदर करता हूँ, उनके आशीर्वाद के बगैर मैं कुछ ऐसा कदम नहीं लूँगा कि कहीं भी जाना या कहीं भी कुछ गलत करना। मैं कभी भी कोई लालच कोई नहीं दे सकता है मुझे कि इस परिवार को मैं से अलग हूँ या कांग्रेस के से अलग होकर मैं मतलब अपनी चीज़ करूँ। ये है कि किसी ने आपको इनडायरेक्टली अप्रोच किया है कभी? बहुत लोगों ने बीजेपी की तरफ से कि ईडी का जांच है, इनकम टैक्स की जांच है, देखिए आप छोड़ दीजिए कांग्रेस, परिवार छोड़ दीजिए, हम खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ? ऐसे क्या होता है कि लोग देखते हैं कि मुझे परेशान किया जा रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि कह रहे हैं कि इसका अंत होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन हो तो रॉबर्ट वाड्रा का नाम इस्तेमाल होता है, तो उनको लग रहा है कि आप अपने तरीके से अगर आप अपनी परेशानी दूर करना चाहें या वॉशिंग मशीन के द्वारा आना चाहें, जो भी होता है कि वो अलग अलग लोग कहते हैं, मजाक में कहते हैं, कोई अलग अलग पार्टियां हैं जो यूपी में हैं, यहाँ हैं, जब मैं मुरादाबाद जाता हूँ कि सर आप हमारे तरफ से आइए, जो भी है वो उनको लग रहा है कि इतना समय क्यों लग रहा है, और इतनी मेहनत करते हैं, हर रोज़ मेहनत करते हैं, हर रोज़ देखते हैं आप, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, या मतलब आप अपने दफ्तर के बाहर हजारों लोगों को खिला रहे हो, कहीं भी कुछ बुलाते हैं आप वहाँ जाते हो, अंधे बच्चे फिर आएंगे पॉलिटिक्स में, फिर परिवारवाद का आरोप लगेगा। नहीं देखिए, लोग कहेंगे सोनिया जी पॉलिटिक्स में, राहुल जी पॉलिटिक्स में, प्रियंका जी पॉलिटिक्स में, अब रॉबर्ट जी पॉलिटिक्स में। क्या गलत है कि अगर
कोई अपने एल्डरली जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे सीखे और उन्हीं के कदम पे चले, या जैसे खुद वो अपने पार्टी में झांकना चाहिए, जिन जितने लोगों को उन्होंने खींचा है वो भी अपने परिवार के सीख कर आए आगे, उनके भी पिता और उनके भी अलग अलग व्यक्ति जो उनके परिवार से हैं वो भी उस पार्टी में हैं, तो उनके यहाँ भी है, पर वो हमेशा कोई गांधी परिवार जो भी करता है, या अगर गांधी परिवार मतलब नेहरू से, नेहरू जी के समय से कुछ ना कुछ गलत बोलेंगे, हमेशा वही गांधी परिवार के बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा कि परिवार है, पर वो अपने पार्टी में भी झांक कर देखना चाहिए और उन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए, जैसे उनकी सरकार मणिपुर में है पर वहाँ जो दंगे फसाद हो रहे हैं, जो भी गलत हो रहा है उसके बारे में वो कोई संभाल नहीं पाए, जो ज़रूरतें हैं किसानों की या बेरोज़गारी है या अलग अलग मुद्दे हैं जो उस पर ध्यान नहीं देंगे, बस गांधी परिवार जो लोगों की बात बुलंद करते हैं, जो लोगों के लिए लड़ते हैं, चाहे आप उनको संसद से बाहर निकाल दो या घर से निकाल दो या सिक्योरिटी हटा दीजिए। मुझे तो, लगा कि सोनिया जी से ईडी पूछताछ कर चुकी है, राहुल जी से पूछताछ कर चुकी है ईडी, आपसे इनकम दूसरे मामलों में इनकम टैक्स और ईडी भी शायद पूछताछ कर चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि प्रियंका जी से को छोड़ दें तो मतलब चारों लोगों से तो गांधी परिवार में पूछताछ हो चुकी है, जांच एजेंसीज के रडार में आप लोग। तो कोई ये इनके बीजेपी का प्रचार करने का तरीका है, ये डर और भय क्रिएट करने का तरीका है, ये चाहे गांधी परिवार हो या कोई भी जब भी इलेक्शन होता है जो भी उम्मीदवार होता है उनके ऊपर कोई पुराने केस डाल के ईडी का प्रेशर डाल के वो प्रेशर डालते हैं जब इलेक्शन होता है, वहाँ जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा वो मामला ही टल जाता है, मामले में कोई अंतर नहीं निकलता है, कोई स्पष्ट कुछ स्पष्ट नहीं होता है, बस जो नेक्स्ट टारगेट है उनके ऊपर आते हैं, तो हम में झेलने की क्षमता है, निडर हैं, आगे बढ़ेंगे, लोगों के लिए लड़ेंगे, आगे जो भी जिस तरीके से बीजेपी को लगेगा वो प्रेशर डालना चाहेंगे हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी से पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स ने कि हम लोग सब लोग थे कि भाई आप अमेठी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, उन्होंने बोला कि मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, खड़गे साहब कहेंगे तो मैं लड़ूंगा। तो रॉबर्ट वाड्रा साहब से भी वही सवाल है, रॉबर्ट साहब आप बोल रहे हैं कि जनता चाहती है, तो खड़गे साहब या सोनिया जी से आप लोगों की जो पार्टी की लीडरशिप है आपके संबंधियों में परिवार में चर्चा हो रही है इस बारे में, या पार्टी लीडरशिप से कोई मैसेज, देखिए उनसे आपकी बात हुई है? जब भी कोई इलेक्शन होता है तो उनको ज़रूर लगता है कि पूरे पूरे परिवार को या कांग्रेस में जितने भी हैं लोगों को और मेहनत से काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए, और मैं उसमें शामिल होता हूं, चाहे वो तरीका हो कि अभी फिर से रॉबर्ट वाड्रा का के ऊपर जो आरोप फिर से शुरू कर देते हैं, या मैं कहूंगा कि इतनी पुकार हो रही है पब्लिक की डिमांड हो रही है कि आप ज़रूर आप आइए, सक्रिय राजनीति में आइए, क्योंकि आपके ऊपर आरोप हमेशा करते रहेंगे और आपकी जो लड़ाई है वो बाहर से है, जब आप अगर आप संसद में होते हैं तो फिर आप अपनी लड़ाई उसी तरीके से, क्योंकि ये पॉलिटिकल टारगेट आपको बना दिया है। चाहते हैं कि वो संसद में आकर के अपनी लड़ाई लड़े, वो लोग चाहते हैं, मैं आपको क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूं जो लोग चाहेंगे वही होगा, मैं जो चाहूंगा वो नहीं होता है कि अच्छा मैं यहां से लड़ूं या वहां से लड़ूं, जरूर मेरे को लगता है अगर मैं कहीं से लड़ूंगा मैं जीतूंगा जरूर, क्योंकि लोगों में प्यार है और समझ है कि ये मेहनती आदमी है और परिवार को कभी इस्तेमाल नहीं किया, परिवार के लिए खाली एसेट बने हैं और आगे जाके भी एकजुट होकर पूरे परिवार के साथ देश की प्रगति के लिए आगे बढ़ेंगे। तो रॉबर्ट वाड्रा से आखिरी दो सवाल, गांधी परिवार उनके होने का फ़ायदा भी है, क्योंकि वो फ़ायदा इन द सेंस कि आप एक पॉलिटिकल फैमिली से हैं, आप कोई इज्जत सम्मान, अगर गांधी फैमिली तो फिर इंदिरा गांधी से, जवाहरलाल नेहरू से, और फिर उसके नुकसान भी हैं, हर चुनाव आते गांधी परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त, रॉबर्ट वाड्रा पर फिर ईडी की जांच, रॉबर्ट वाड्रा के दफ्तरों पर छापे, रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ, रॉबर्ट वाड्रा को भेजेंगे जेल, तो कभी सोचते हैं बैठ कर के मतलब ये तो मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली बात हो गई, रॉबर्ट वाड्रा कुछ अच्छा करे तो चलिए ठीक है लोग कम देखते हैं, रॉबर्ट वाड्रा से कुछ अगर 19-20 हुआ नहीं हुआ पॉलिटिकल आरोप लगे तो फिर पूरी गांधी फैमिली पर अटोक के देखो रॉबर्ट वाड्रा क्या कर रहा है, देखो रॉबर्ट वाड्रा क्या कर रहा है। मैं कभी खाली मैं ये बोलूँगा कि जिस दिन इन लोगों ने
आरोप लगाना छोड़ दिया। जिस दिन हमारी बात करनी छोड़ दी उस दिन हमें सोचना पड़ेगा कि हम रेलेवेंट नहीं हैं, कि हमारी ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों की ज़रूरत होती है, जिन लोगों को, इन लोगों को डर है गांधी परिवार से, हर सदस्य से, तो ज़रूर उनकी बात होगी। अगर हम फ़र्क नहीं लाते देश भर में तो हमारी बात नहीं होती, वो मेरी सोच है। बाकी सबको देख लिया है, बहुत समय हो गया है, और चाहे ईडी हो या कोई भी एजेंसी हो, या इनके तौर तरीके मैंने देख लिए हैं और समझ भी लिया है, पर मैं किसी को चैलेंज करने के लिए नहीं हूँ। मैं जो गांधी परिवार की लेगेसी है उसमें मैं शामिल होऊंगा जब भी आऊँगा, और प्रगति जो हो सकती है, जो मेरी सोच विचार हैं, एक सेक्युलर एरिया, बेरोज़गारी, महिला की सुरक्षा, हर चीज़ मैं देखता हूँ। क्योंकि जैसे SPG को हटा दी तो मुझे दिखाई दिया है कि जब भी प्रियंका कहीं भी पहुँचती हैं लोगों के मुश्किल को सुधारने के लिए या समाधान ढूंढने के लिए, तो उनको अरेस्ट कर दिया गया, जैसे लखनपुरी में और अलग अलग चीज़ों में। तो हमें चिंता होती है उनकी, क्योंकि इस सरकार ने SPG हटा दी, घर से हटा दिया, और तो, पर मुझे पता है वो निडर हैं, अभी भी प्रचार में निकलेंगी, सड़कों में होंगी, अपने राजीव जी के जैसे होंगे, और पूरी मेहनत लगन से काम करेंगी, और लोगों की आवाज़ और जो भी उनके मुश्किलें हैं उसका समाधान ज़रूर ढूंढेंगी। रॉबर्ट वाड्रा से बात की, हमें सारे सवाल पूछे भी हैं कि रॉबर्ट वाड्रा आएंगे नहीं पॉलिटिक्स में आएंगे, और रॉबर्ट वाड्रा को लेकर गांधी परिवार पर निशाना तो लगाया ही जाता है। रॉबर्ट वाड्रा साहब, क्योंकि आपसे बात हो रही है, मतलब कई साल बाद मिल रहे हैं, एक और सवाल आ गया, क्योंकि फिर लोग बोलेंगे कि आपने वो सवाल नहीं पूछा, हमें पूछना चाह रहे थे। नॉन पॉलिटिकल सवाल, अब छुट्टी वुट्टी पर जाते हैं अब, मतलब फैमिली के साथ, मतलब इतना, क्योंकि प्रियंका भी अब पॉलिटिक्स में है, हम लोगों ने उनका पिछले इलेक्शन में इंटरव्यू भी किया, कैंपिंग भी कवर करते हैं, राहुल भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं, सोनिया जी जाती हैं पार्लियामेंट, वो बीच में कभी कभी अस्वस्थ भी थोड़ा सा रहती हैं, तो अब वो फैमिली टाइम मिल पाता है पॉलिटिक्स में? बिल्कुल समय निकालते हैं, पर जैसे मैं कहूँगा कि ये परिवार और मैं खुद बहुत रेलेवेंट हूँ, तो कोई ना कोई डिमांड, कोई ना कोई प्रेशर आता है, कोई नोटिस आता है, तो मुझे ज़रूर अपने दफ्तर में दफ्तर का ख्याल रखना पड़ता है। जो भी कुछ यहाँ इश्यूज आती हैं उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पर समय निकालता हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने फिटनेस के लिए, और लोगों की सेवा करने के लिए। तो पर हमारी ज़िंदगी है जो लोगों के लिए है और लोगों के बीच में होती है, तो उसमें छुट्टी वगैरह कम ही सोचते हैं, और जहाँ भी हम जाएंगे लोगों से मिलते हैं, उम्मीद होती है। इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, तो दुनिया भर में, देश भर में तो है ही, पर दुनिया भर में जो भी भारत के नागरिक मिलते हैं उनका सोच यही है कि आप आगे आएँ और जो बदलाव हमें चाहिए उसमें शामिल हो, क्योंकि वहाँ डर का माहौल बन गया है, और हम वहाँ थोड़ा मुश्किल है थोड़ा जीना और अपना काम करना, और कभी हम अगर मैसेज भेजते हैं या कभी कुछ बोलते हैं, सोचते हैं कि हम किसी प्रेशर में ना आ जाएं, कोई अरेस्ट ना हो जाए या कोई इशू ना आ जाए, तो इस तरीके की राजनीति उन्होंने कभी देखी नहीं है, और जो धर्म की राजनीति हो रही है उससे भी दूर रहना चाह रहे हैं। तो चाहे हमारी छुट्टी होती है, मतलब कि हॉलीडे पे जाते हैं, पर जो भी होता है कि लोगों से मिलते हैं और लोगों की बात समझते हैं, पब्लिक इंटरेक्शन बंद नहीं, बहुत ज़्यादा होता है, और उम्मीद होती है कि ज़रूर बदलाव का समय आएगा, और फिर जो गलत हुआ है, जो गलत हो रहा है, उसके जवाब उनको देना पड़ेगा। तो रॉबर्ट से हमने सारे सवाल पूछे, और अभी अमेठी रायबरेली की सीट तो अनाउंस हुई नहीं है, तो अब देखते हैं कि कांग्रेस आलाकमान क्या करता है, पर रॉबर्ट कह रहे हैं कि जनता चाहती है, और वो जो भी करेंगे वो सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद को लेकर के करेंगे। सहयोगी शायन और आर्यन के साथ सौरभ शुक्ला।